तो आज मैं आप लोगों से मेरा माया टीवीएस अपाची 180 का ओनरशिप एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो मैंने माया को खरीदा था 16 सितंबर 2015 में, तो इस साल में उसका हो जाएगा 6 साल। तो अभी तक मुझे क्या क्या अच्छा लगा है माया पे और क्या क्या अच्छा नहीं लगा है माया पे, एक ओनरशिप आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। जिससे कि अगर आप लोगों में से कोई टीवीएस अपाची 180 खरीदने का प्लान कर रहे हो तो आपका प्लानिंग करने में थोड़ा सा आसानी हो। तो इसीलिए मैं ये वाला वीडियो बना रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो मुझे जो चीज सबसे ज्यादा पसंद आया था अपाची 180 को, तो वो था इसका जो एजी डिजाइन था। इसके लिए मैं फिदा था। और अपाची का वो जो ट्रांसफॉर्मर वाला लुक है, वो जो हेडलाइट पे जो डीआरएल जलता है दोनों आई, वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद था और अभी भी है। और वो जो पार्ट एनालॉग एंड डिजिटल जो क्लस्टर है वो थोड़ा पुराना तो हो गया है, बट फिर भी वो बहुत ज्यादा मुझे पसंद है। 200 4V और 164V जो नया लुक है वो मुझे ऐसा कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया है, बट मुझे ये जो पहले वाला ओल्ड लुक था वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद था और अभी भी है। और आप अगर कोई सा भी बाइक लो और उसको कहीं पे पार्क करने के बाद अगर मुड़ के ना देखो तो आपने सही बाइक नहीं उठाया है, ये बाइकर का रूल्स है। और इसीलिए अपाची का ये जो ओल्ड वाला सीरीज है ये अभी तक डिसकंटिन्यू नहीं किया है कंपनी ने, सिर्फ इसी चीज के लिए क्योंकि अभी भी कस्टमर ये वाला जो ओल्ड डिजाइन है ये अभी भी प्रेफर करता है कस्टमर। तो अभी आते हैं दूसरा पॉइंट पे, जो है इसका राइडिंग पोस्चर। तो अपाची का जो ओल्ड वाला वेरिएंट था उसका जो राइडिंग पोस्चर था वो ना ही ज्यादा एग्रेसिव था और ना ही ज्यादा कम्यूटेड था। वो एक स्पोर्ट्स टूरर कैटेगरी में आता है और मैं इसको बहुत लॉन्ग राइड पे भी लेके गया था, मुझे ऐसा कोई सा भी थकन नहीं आया था। मैंने एक दिन में 300 किलोमीटर ब्लॉक किया था इस एपची में। तो अभी आते हैं इसका तीसरा पॉइंट पे, जो कि है इसका इंजन। तो ये तब का टाइम में मतलब 2015 में रॉ पावर देता था। तो इसका जो इंजन है वो है 177.3 cc 4-stroke एयर कूल PS3 इंजन। तो इसका जो मैक्स पावर आउटपुट था वो 17.03 hp। इसका जो टॉर्क आउटपुट था वो था 15 Nm। तो इसके लिए इसका जो क्विक टोटल रिस्पांस था वो बहुत ही ज्यादा ऑसम था और ये कभी भी ऐसा नहीं फील कराता है आप टोटल दो ये रिस्पांस ना करे, ऐसा कभी नहीं होता है। जब भी आप थ्रॉटल दोगे किसी भी गियर पे आप थ्रॉटल दोगे ये क्विक रिस्पॉन्स करता है और यही चीज इसका सबसे प्लस पॉइंट था और मेरा पसंद करने का और एक रीजन था। तो अभी आते हैं इसका फोर्थ पॉइंट पे, जो कि है इसका साउंड। और अपाची जाना ही जाता था इसका क्विक थ्रॉटल रिस्पांस के लिए और इसका जो साउंड है बेसी और रेसी वाला जो साउंड है इस चीज के लिए अपाची को जाना जाता है। मेरा जो मॉडल है वो PS3 है और इसका जो साउंड है ये बहुत ही ज्यादा बेसी था और इसीलिए मुझे हर वक्त लगता है कि थ्रॉटल को ट्विस्ट जो ये म्यूजिक है वो सुनो, बहुत ही प्यारा वाला साउंड आता है इसका एग्जॉस्ट से। मतलब मेरा जो बाइक है वो पूरा ही स्टॉक है बट इसका जो साउंड है वो अलग ही लेवल है, मतलब मेरा पसंद का ये चौथा पॉइंट है। और अभी आते हैं इसका फिफ्थ पॉइंट पे, जो है इसका पावर टू वेट रेशियो। ये जो बाइक है मतलब BS3 वाला जो बाइक है ये बहुत ही ज्यादा लाइट हुआ करता था, तो इसका जो 90% फ्यूल लेके इसका जो वेट था वो था 138 kg और इसके लिए इसके पावर टू वेट रेशियो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाता था। और इसके
इसके लिए ये जो बाइक था ये 0 to 60 3.7 सेकंड में स्पीड पकड़ता था, 0 to 100 ये पकड़ता था 9.5 सेकंड पे, और इसका जो टॉप स्पीड था वो था 128 kmph। और ये लाइट वेट होने के लिए इसको सिटी में चलाने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है, ट्रैफिक को फिल्टर करने में बहुत ज्यादा मजा आता है लाइट वेट होने के लिए। तो अभी आते हैं इसका 6th पॉइंट पे, जो है इसका सर्विस। तो इसका जो सर्विस कॉस्ट है वो बहुत ही ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली है, मतलब आप अगर नॉर्मल सर्विस कराओगे इसका जो बिल आएगा वो आएगा लगभग 1000 के आसपास। अगर आप इसमें हाई परफॉर्मेंस वाला अगर इंजन ऑयल डलाते हो या फिर दूसरा भी कोई काम कराते हो तो लगभग उस चीज में 2000 के आसपास ही इसका बिल आता है। और इससे मुझे लगता है कि ये बहुत ही ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली है इसका जो सर्विस कॉस्ट है। तो अभी आते हैं इसके बुराई में, अभी तक बहुत अच्छा ही कर लिया है, तो अभी आते हैं इसके बुराई में, जो चीज मुझे मेरा Apache पे अच्छा नहीं लगा है और इस चीज से मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हूँ, तो उस चीज को अभी शेयर करते हैं आप लोगों से। तो अभी आते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट पे, जो चीज मुझे अच्छा नहीं लगा है वो है इसका जो पार्ट का क्वालिटी है वो कुछ खास नहीं है, मतलब इसका जो चेन सेट है, इसका जो कॉर्न सेट है और इसका जो फ्रंट वाला सस्पेंशन है, इस चीज का जो पार्ट है वो बहुत ही ज्यादा खराब होता है। मतलब इसका जो चेन सेट है उसका लाइफ 10,000 से 12,000 के अंदर में खत्म हो जाता है, इसका जो कॉर्न सेट है वो भी 10,000 से 12,000 के अंदर में खत्म हो जाता है, और इसका जो फ्रंट वाला सस्पेंशन है वो तो 6 महीना में एक बार तो लीक होगा ही होगा। तो ये सब मुझे बहुत ज्यादा इरिटेट करता है। तो इसका जो पार्ट क्वालिटी है, मतलब TVS का जो पार्ट क्वालिटी है बाइकों का, वो ऐसा कुछ खास नहीं है, और आप अगर लेने का सोच रहे हो तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। तो अभी आते हैं सेकेंड प्रॉब्लम पे, जो कि है Apache 180 और 160 2V का सबसे ज्यादा मेजर प्रॉब्लम, वो है इसका ब्रेकिंग। इसका ब्रेकिंग ऐसा कुछ खास नहीं है, क्योंकि इसमें जो टायर प्रोफाइल यूज किया है तो पीछे वाला जो टायर है वो 110 सेक्शन का है और सामने वाला जो सेक्शन है वो 90/90 सेक्शन का है, और इसीलिए ये वाला जो गाड़ी है अगर आप पैनिक ब्रेकिंग कर हो ये बहुत ज्यादा स्कीड करता है। और मेरा वाला जो मॉडल है वो नॉन ABS वाला मॉडल है, ABS वाला मॉडल भी आता था तब, बट मैंने ABS वाला मॉडल नहीं लिया था क्योंकि मुझे चाहिए था मैट ब्लैक एडिशन, तो इसीलिए मैंने ये वाला मॉडल लिया था। और ये वाला मॉडल पे एक मेजर प्रॉब्लम है इसका ब्रेकिंग। इसका ब्रेकिंग बहुत ही बेकार है, आप अगर पैनिक ब्रेकिंग करते हो आप गिरोगे ही रस्ते पे, इतना खतरनाक इसका ब्रेकिंग है। और इस चीज के लिए Apache को सबसे ज्यादा एक्सीडेंट वाला गाड़ी माना जाता है, मतलब ये 2V वाला जो मॉडल था इसको माना जाता है सबसे ज्यादा एक्सीडेंट वाला गाड़ी। तो अभी आते हैं इसका थर्ड पॉइंट पे, जो चीज मुझे अच्छा नहीं लगा है वो है इसका वाइब्रेशन। और आप लोग जानते हो Apache बहुत ज्यादा वाइब्रेट करता है, और ये 5000 RPM के बाद ही वाइब्रेशन करना शुरू कर देता है, और ये चीज थोड़ा सा अनोइंग लगता है। आप अगर लॉन्ग राइड कर रहे हो तब तो आपको ये चीज सह जाएगा, आपको ऐसा कुछ महसूस नहीं होगा, बट आप अगर सिटी में 5000 RPM के ऊपर जाते हो तब आपको वाइब्रेशन फील हो सकता है। तो अभी तक जो BS6 वाला बाइक है, मैं सुन रहा था कि उसका वाइब्रेशन बहुत हद तक कम कर दिया है, बट मेरा जो मॉडल है वो BS3 है और BS3 का जो पावर आउटपुट है वो बहुत ही रॉ है, तो इसीलिए उसका वाइब्रेशन होता ही है। जो कि मुझे पसंद नहीं आया है वो है इसका माइलेज। तो इसका जो माइलेज है वो मुझे सिटी में देता है 35 से लेके 38 kmpl, और हाईवे पे ये देता है 40 से लेके 45 kmpl के बीच में। तो ये जो सिटी वाला जो माइलेज है ये मुझे ऐसा कुछ अच्छा नहीं लगा है, इसका जो माइलेज है वो ऐसा ही है 35 से लेके 38 के बीच में देगा ये सिटी में माइलेज। तो इसका जो फिफ्थ
डिसएडवांटेज है वो है इसका लाइट। तो इसमें कोई सा भी एलईडी का यूज नहीं है, सिर्फ टेल लाइट छोड़ के इस पे इंडिकेटर बल्ब टाइप है। इसका जो हेडलाइट है वो भी हैलोजन टाइप है और इसका जो लाइट थ्रू आउट है उतना ज्यादा सही नहीं है। आप अगर इसको लेके टूरिंग का सोच रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा लाइट लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो लाइट है हाईवे पे आपको कुछ नहीं दिखेगा, आपको एक्सटर्नल लाइट लगाना पड़ेगा। तो ये इसका और एक डिसएडवांटेज है। और जो लास्ट डिसएडवांटेज है वो था इसका सस्पेंशन। इसका जो सस्पेंशन है वो बहुत ही ज्यादा हार्ड है और इसका जो सीट है वो भी बहुत ही ज्यादा हार्ड है। आप अगर मान लो 300 या 400 किलोमीटर का एक दिन में राइड करने का सोच रहे हो तो आपका बम नहीं रहेगा, इतना ज्यादा हार्ड है। और इसका सस्पेंशन भी बहुत ज्यादा हार्ड है, रेस के लिए बनाया था और रेस के लिए सस्पेंशन को हार्ड करना पड़ता है। बट इसमें एडजस्टेबल सस्पेंशन है, आप अगर चाहो तो इसका जो सस्पेंशन है इसको सॉफ्ट कर सकते हो। तो यही था मेरा पसंद और नापसंद। आई होप आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन शेयर कर पाया हूँ। अगर आपको लगा है कि मैं सही जेन्युइन इंफॉर्मेशन अब तक पहुंचाया हूँ तो आप मेरा वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो उस फ्रेंड के साथ जो प्लानिंग कर रहा है एपची 182V और 162V लेने का, तो उसके साथ ये शेयर कर सकते हो। और मेरा चैनल अगर आपको पसंद आ गया है तो आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और मुझे मोटिवेट कर सकते हो। और मेरे को इंस्टाग्राम में आप फॉलो कर सकते हो, आईडी आ रहा है अभी स्क्रीन पे, तो उधर पे जाके भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। तो यही था आज का वीडियो में। तो आप लोगों से मैं मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय। तो अभी आते हैं इसका मेन, तो अभी आते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट पे। जो चीज मुझे अच्छा नहीं लगा है वो है इसका जो पार्ट का रिलायबिलिटी है वो उतना ज्यादा। तो अभी आते हैं इसके फर्स्ट पॉइंट पे। जो चीज